आरा शास्त्र का कहना है सत्य में व्य न नितम न पंथा बीता तो देव या ना यानी सत्य की जीत होती है हमेशा सत्य की जीत होती रही है होती रहेगी सत्य कभी किसी से हारा नहीं है और ना सत्य का मुकाबला असत्य के मानने वालों से होना संभव है इसलिए सत्य ही सर्वोपरि है सत को मानना चाहिए मानव मात्र के लिए सत का ग्रहण करना और असत को छोड़ना ये मानव मात्र के लिए इसमें सर्वदा उद्दत रहने की बात ऋषि ने कही है अब उसी सच्चाई को सुनिए गणेश दास जी से सभी दोस्तों को नमस्ते गुरु जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते दोस्तों आज में भारत की जो हमारा यह भारतवर्ष है उससे पहले भी कुछ नाम था जहाँ आर्यव्रत था ये अखंड आर्यव्रत था जहाँ हमारे ऋषि महर्षि ने हमें उपदेश दिया ओम तत्सता ब्रह्मणो द्वितीय परावदे वतमंतरे जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यव्रत अंतर्गते दोस्तों ये हमारा जो आर्यव्रत था आज ये हमारा अखंड भारत है तो हमारी जो भारत की सभ्यता है जो संस्कृति है यहाँ हमें प्रेम से जीना सिखाती है कोई किसी के पास अगर दलील है तो वही हमारे सामने लाए किसी को परम पिता परमात्मा ने मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन, जैनी बोधि बना के नहीं भेजा प्राणी मात्र को यहाँ भेजा गया जो श्रेष्ठ प्राणी मानव कहलाते हैं यहाँ दोस्तों कापरा पहनने का नाम ही मानव नहीं है मानवता पर आचरण करना मानवता को आचरण में लाना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है और अगर मानव जन्म मिलने की बात भी ये नहीं करेंगे तो आप मानव कहलाने की अधिकार नहीं है परमपिता परमात्मा ईश्वर के संतान कहलाने में आपको कोई अधिकार नहीं है उनकी गुणों को जो धारण करें जो ईश्वर की गुणों को धारण करें वही मानव है अगर उनकी गुणों को धारण नहीं करता तो वो मानव कहलाने की अधिकारी नहीं है अगर आज कोई बेटा अपने पिताजी की बात नहीं सुनता हो तो पिताजी भी उसको बहिष्कार कर देते हैं कि ये मेरे पुत्र नहीं है इसी तरह से ये बात है कि अगर परमपिता परमात्मा के गुणों को धारण करेंगे तो वो मनुष्य कहलाने की अधिकार है हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी ऋषि मुनि ने भेदभाव नहीं कराया हमारे यहाँ मानव मात्र की कल्याणी बानी कल्याण के लिए है अगर ये सबके ऊपर लागू हो जाए तो हमारी सभ्यता हमारी जो भारत की संस्कृति है ये विश्व भर में इसको लागू कराना हमारे लिए संभव होगा अगर सब इसको आचरण में लाए सब भारतवासी इसको माने लेकिन दोस्तों जहाँ जाति विशेष वर्ग विशेष संप्रदाय के लिए कुछ कुछ बातें आई है जहाँ तक मैं जानता हूँ हजरत मोहम्मद साहब ने सत्ताईस लड़ाइयाँ लड़ी अपनी जीवन में सत्ताईस लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उन्होंने चार दांत तोड़वा बैठे अपने लड़ाई में जंग में क्यों दुनिया को मुसलमान बनाना था काफिर और मोमिनों के खिलाफ जिहाद करना था तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अपनी दांत भी तोड़वा बैठे पिछले दिनों भी आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ आज भी मैं इन्हीं बातों को दोहराते हुए आप लोगों के सामने दो बात मैं रखना चाहता हूँ जहाँ बात बात पे इस्लाम वाले बोलते हैं इन अल्लाह ने चाहा तो अगर अल्लाह के अंदर में चाह होगी उनकी नाराज़गी भी होना पड़ेगा अल्लाह ईश्वर को एक समझना एक मानना एक जानना ये मानव विरुद्ध कार्य है ये मानवता नहीं है जहाँ अल्लाह ने भेदभाव करा के सारी दुनिया को दो हिस्सों में बाँटा काफिर और मोमिन अगर आप इमामी मुजमिल को देखेंगे तो वहाँ भी साफ आप पा जाएंगे कि आमन तबिल्ला तो ही व मलायकती ही कुतुबी ही व रसुल ही वल योमिल आख़री वल क़द्र खर ही व बासे बादल मौत आमन तबिल्ला तो ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर अल्लाह को विश्वास करता हूँ व मलायकती मैं मानता हूँ उनकी फ़रिश्ता को कुतबी ही मानता हूँ मैं अल्लाह की किताबों को और रसूल ही उनके रसूलों के मा मैं मानता हूँ रसूलों को भी मैं मानता हूँ वल, वल मिल आखिरी मानता हूँ मैं आखिरत की दीन को तो अगर दोस्तों यही सारी बातों पर आप आचरण करेंगे तो आप ईमानदार हैं अगर आप इन्हीं बातों को नहीं मानते इन बातों को आप झूठा मानते हैं तो आप ईमान के दायरे में आ ही नहीं सकते अब बेईमान कहलाएंगे तो अगर जहाँ अल्लाह ने बोला इंशाल्लाह इंशाल्लाह बात बात पे इस्लाम वाले भाई बोलते हैं इंशाल्लाह 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 के माने क्या है अल्लाह ने चाहा तो माशाल्लाह माशा हुकन वमिया शालामिया कुन अल्लाह जो चाहता है वही होता है अगर हज़रत मोहम्मद साहब की चारदात टूटी या अल्लाह ने चाहा ही होगा चाहा या नहीं चाह मेरा सवाल इस्लाम जगत से ही है कुरेशी कसाई नासिर सुन ले मेरी बात बस इसी बात का जवाब दे देना कि मोहम्मद साहब की जो चार दात टूटी थी अल्लाह ने चाहा या नहीं चाहा अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो उनकी मनमानी हो गई अगर मोहम्मद साहब की मनमानी हो गई तो उन्होंने तो ये झूठा संदेश दिया और दोस्तों परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की बातें ईश्वर की बातें लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति विशेष की ज़रूरत पड़े जब मोहम्मद को अल्लाह ज्ञान दे रहे हैं मोहम्मद से अल्लाह बातें कर रहे हैं सातवें आसमान के ऊपर से अल्लाह बात कर रहे हैं अल्लाह को मानव चाहिए बात करने के लिए तो अल्लाह सर्वव्यापी भी नहीं है अल्लाह जर्रे जर्रे में अल्लाह कण कण में अल्लाह का निवास नहीं है परम पिता परमात्मा ईश्वर कण कण में है वो ईशा सर्वम है लेकिन अल्लाह कण कण में नहीं है अगर मेरा सवाल इस्लाम वालों से ही है जो अगर अल्लाह कण कण में है तो उनको जहन्नुम में भी होना पड़ेगा क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है मैं पूछता हूँ सारी ये इस सवाल इस्लाम जगत से इस्लाम जगत इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है कि अल्लाह जहन्नुम में भी है हाँ हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक दोनों बातें हमारे समाज में है स्वर्ग जो है वो सुख विशेष का नाम है तेरे कर्म की वजह से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ तुमें तुमें तुम्हारे कर्मों की वजह से और जो नरक तुम भोग रहे हो ये तुम्हारी कर्मों के ही फल है तुम कर्म करोगे लेकिन फल तुम नहीं ले सकते ये परम पिता परमात्मा का उपदेश है ये प्राणी कर्म किए जा अवश्यम में भुक्त्यव कृतम कर्म शुभा शुभम अवश्य ही भोगना है कर्मों के फल इसका प्रूफ है तो दोस्तों मेरा कहना यही है जहाँ स्वर्ग और नर्क तुम्हारे कर्म के हिसाब से है तो क्या अल्लाह जन्नत में तो हो सकता है लेकिन जान में अल्लाह है मेरा सवाल यही है नासिर कुरैशी जवाब दे देना मेरे सवाल का और दोस्तों देखिए जहाँ ये अरब अरब में जाते हैं ये अरब की बातें हैं भारत की संस्कृति नहीं है ये धर्म शब्द किसी भी भाषा में मिलना मुश्किल है ये बस आया है तो भारत के संस्कृत का ही एकमात्र ये लफ्ज़ है धर्म इसके सिवा धर्म कहीं होना संभव नहीं है मैंने कल भी बोला था यूनिवर्सल लॉ अगर धर्म है धर्म अगर सबके ऊपर लागू हो तो इस्लाम सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता ये धर्म नहीं होगा ये धर्म कहलाना भी मूर्खता तक के सिवा कुछ नहीं है और देखिए जहाँ अल्लाह मोहम्मद साहब को उपदेश सुना रहे हैं उपदेश दे रहे हैं तुम ये करो ये करो वो करो तो मोहम्मद साहब ने ऐसे ही किया दुनिया में आज फसाद हो रही है किसके लिए हो रही है बस इस कुरान की आयत की वजह से हो रही है इस्लाम मानता ही नहीं है कि दूसरे कोई धर्म है एक इस्लामी धर्म मानता है इसलिए इस्लामिक शिक्षा जो है वो कट्टरवादिता की है वो कट्टरवादिता की है वो किसी को नहीं मानता वो अपने में ही मानता है दूसरे और देखना ही नहीं चाहता अगर हमने हर दम एक पक्ष को देखा दोनों पक्ष को हमने कभी देखना नहीं चाहा आज हम दोनों पक्ष को देख रहे हैं दोनों पक्षों को मिला रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि बराबर कहीं नहीं है हिंदू मुसलमान में ये बाइबल कुरान पुरान और वेद इसमें मिलाव कभी नहीं हो सकता जहाँ ईश्वरीय ग्रंथ के समान ये तीनों किताबें होना संभव नहीं है इसमें मानवता की भू तक नहीं है अगर कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करना चाहते हो आओ सामने कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करना अंधकार में प्रकाश को ढूंढना रात में भी दिन होना संभव हो जाएगा अगर कुरान को कलामुल्ला सिद्ध कर दोगे तो जहाँ अल्लाह ने बोला रहमान रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से कुरान ही इसका प्रमाण है कि इस अल्लाह से भी बढ़ के कोई और अल्लाह है जो ये अल्लाह बोल रहा है उस अल्लाह के लिए ओ अल्लाह परम पिता ईश्वर परमात्मा ओम है इस बात को समझो इसीलिए हम बुला रहे हैं आओ सामने आओ सामने आओ तो बात बनेगी नहीं तो हमारे ऊपर बात मत करो कुरेशी सुन ले कान खुल के सुन ले तो, तो इस्लाम का प्रचार नहीं करता है किंतु फंसेगा तो अगर इस्लाम का प्रचार करेगा तो मैं उसी पर तुझे पकड़ूंगा। तू तु इस्लाम का प्रचार करना तेरे लिए संभव नहीं होगा कसाई तू इसका प्रचार नहीं कर सकता तेरे में औकात नहीं है दोस्तों जहाँ इतनी गलत गलत बातें मानव मात्र की कल्याण के लिए नहीं है मानव मात्र की अच्छाई के लिए कोई बात नहीं है कबीला की संस्कृति है इसको लेके आज हमारी दुनिया में कितनी फसाद फैली हुई है जिसके कारण अगर आप हर जगह देखेंगे हर तरफ तबाही मची है एकमात्र ये कुरान को लेके, इसीलिए हम बुला रहे हैं सामने आओ बात करो अगर तुम्हारी सच्चा है तो हम मानने के लिए तैयार है आओ हमें समझाओ पिछले दिनों भी आपने देखा एक आका भाग गया, एक आका इस्लाम का भागा हुआ है ये सामने तो आना उसका संभव ही नहीं था भाग गया ये ये तो अरबी का स्कॉलर भी नहीं था अरे उससे अच्छा तो हम जानते हैं ये तो आरबी का स्कॉलर भी नहीं है मुन्ना भाई है वो मुन्ना भाई भाग गया एम बी बी एस बना के सबको वेद से मोहम्मद को दिखा रहा था जहाँ वेद में व्यक्ति विशेष का नाम आना संभव ही नहीं है कल्याणी बानी है वेद का तो हमारे ऋषिवर ने हमें यही उपदेश देते हुए हमें समझाया कि अनेक रास्ता सही नहीं है ना, ना पंथा विदत आया नाए अनेक रास्ता सही नहीं है अनेक रास्ता ठीक नहीं है केवल सच्चा सही रास्ता एक ही है जो वेद है मानव मात्र के कल्याण के लिए अगर कोई पुस्तक है मानव मात्र को कल्याण करा सकता है उसको सच्चा रास्ता दिखा सकता है तो वो केवल और केवल वेद है सनातन धर्म है जहाँ मनु महाराज ने मनुस्मृति में भी दस लक्षण गिनाते हुए उन्होंने कहा धृति क्षमा दस्तम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम आक्रोध दशकम धर्म लक्षणम हमारे रिसीवर ने भी अगर वेद की बात किसी ग्रंथ को महत्व दिया तो वो मनुस्मृति को दिया ऋषिवर हमारे अच्छे प्रवक्ता है आर्य समाज के हमें सच्चे रास्ता दिखाया उन्होंने लेकिन ये हमारे जो ऋषिवर में जो गुण है ये किसी में भी मिलना संभव नहीं है किसी में भी मिलना संभव नहीं है हमारे ऋषिभर ने पक्षपात कभी नहीं कराया सबको अपना समझो सबको अपना मानो सभी दोस्तों को नमस्ते दोस्तों मेरी बात के ऊपर आप लोग विचार रखिएगा अगर आप लोग विचार रखेंगे तो मैं दोबारा आऊँगा नमस्ते सभी दोस्तों को नमस्ते